मॉम, मैं आयशा की तरफ जा रही हूँ, रात को लेट आऊंगी। मॉम, आप अभी तक परेशान हैं? मेरा बेटा घर से चला गया है, परेशान नहीं होंगी? मॉम, वो कहीं नहीं गया, वो सिर्फ आपको धमकियां दे रहा है। तुम्हें नहीं पता, जब वो 8 साल का था ना, तो पापा ने उसको डांटा था फेल होने पे, घर से बाहर चला गया था। पुलिस वालों ने ढूंढा था उसको घर से, इतना दूर बैठा था फुटपाथ पे, गुस्से में, बहुत जिद्दी है। मॉम, वो सिर्फ आपको धमकियां दे रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो बचपना था उसका, अब वो बहुत अकलमंद और समझदार हो गया। ये सारी अयाशियां उसे कहीं नहीं मिलेंगी, ना तो वो जाएगा और ना समाहा उसे जाने देगा। और अगर वो घर वापस ना आया तो फिर? वो कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं वापस आ जाएगा। आपको ऐसे ही लग रहा है? वो मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आपकी इन्हीं कमजोरियों ने उसे इतना शेर बना दिया, आप उसके हर उल्टे सीधे काम में उसे सपोर्ट देते। हाँ ठीक है, मेरी गलती है। मैंने ये नहीं कहा। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तो तुमसे पूछूंगी कितना सपोर्ट करती हो तुम उनको। सपोर्ट जरूर करूंगी मां, लेकिन उनकी हर जिद आंखें बंद करके पूरी नहीं कर दूंगी। थोड़ा सब्र कर लो तुम लोग, इतनी आसानी से मैं इस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगी। क्या करेंगी आप? कुछ ऐसा जिसपे सुदेश खुद ही अपने हाथों से उसको इस घर से निकाले, फिर देखती हूँ वो लड़की इस घर में कैसे रहती है। Mom, I have an idea. क्या?